स्वराज्य प्रतिष्ठान हिंदुस्तान चंद्रपुर की ओर से रामनगर पुलिस स्टेशन के अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस मौके पर स्वराज्य प्रतिष्ठान हिंदुस्तान चंद्रपुर पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। रक्षाबंधन हो अथवा कोई अन्य त्योहार हो, पुलिस विभाग को शहर में शांतता, कायदा तथा सुव्यवस्था रखने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर हमेशा रहती है, जिसके कारण अनेक बार पुलिस बांधव अपनी बहन के साथ यह रक्षाबंधन का एक पावन त्यौहार नहीं मना पाते, जिसके चलते चंद्रपुर के स्वराज प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के सभी पदाधिकारियों ने रक्षाबंधन के निमित्त रामनगर पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारी तथा पुलिस विभाग में कार्यरत अन्य लोगों को राखियां बांधी। इस मौके पर रामनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार के साथ में अन्य अधिकारी तथा पुलिस विभाग की टीम मौजूद थी। साथ ही इस मौके पर स्वराज प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे। तो सुनिए इस रक्षाबंधन पर्व के संबंध में स्वराज प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से क्या जानकारी दी गई थी। स्वराज प्रतिष्ठान हिंदुस्तान चंद्रपुर तर्फे रामनगर पोलीस स्टेशन येथे रक्षाबंधन साजरा करण्यात आलं। रक्षाबंधन साजरा करण्याचा एकच उद्देश रक्षाबंधन असो किंवा इतर कोणतेही सण असो, शहरातील शांतता, सुव्यवस्था, कायदा, शांतता राखण्यासाठी त्यांना वेळोवेळी हजर राहावं लागते। त्यामुळे रक्षाबंधन सारखा सण त्यांना साजरा करण्याचं एक चान्स मिळत नाही। त्यामुळे त्या अनुषंगाने आपण स्वराज्य प्रतिष्ठान हिंदुस्तान टीम सर्व टीमतर्फे रक्षाबंधनचा हा उपक्रम रामनगर पोलीस स्टेशन येथे राबविण्यात आला। स्वराज्य प्रतिष्ठान हिंदुस्तान चंद्रपूरतर्फे आज रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम रामनगर पोलीस स्टेशन येथे राबवण्यात आला आहे। तरी सर्व बांधवांना रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आपल्या टीव्हीकडील हमारे प्रतिनिधी वैभव यारकर की रिपोर्ट।